का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम राजस्थान पटवारी भर्ती 2019, तो दोस्तों जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग यहां पर 5000 पद रिक्त हैं, वैकेंट सीटें हैं 5000। राजस्थान पटवारी के जो पद हैं 5000 सीटें वैकेंट हैं। अगर आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका सपना है पटवारी बनने का, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने वाली है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जो जानकारी है ये देख सकते हैं आपके सामने है, पटवारियों के 5000 पद खाली, एक साल से अटकी है 2000 पदों पर भर्ती। तो पिछले एक साल से नहीं, तकरीबन पिछले 2018 के फरवरी मार्च की हम बात करें तब से लेकर के अब तक ये वैकेंसी अटकी हुई है। रीजन ये है, तो दोस्तों इसमें रीजन शुरुआत में MBC रिजर्वेशन का है, और ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं आपके सामने है। प्रदेश भर में पटवारियों के 5000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन राजस्व मंडल में 2000 पटवारियों की भर्ती का मामला एक साल से अटका पड़ा है। एक साल पहले मंडल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती की अनुशंसा भेजी थी, लेकिन तब MBC जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बोर्ड ने इसे वापस लौटा दिया था। तब से राजस्व मंडल ने इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। पिछले साल राजस्व मंडल ने 2000 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अनुशंसा भेजी थी, लेकिन MBC आरक्षण को लेकर एक पेच ऐसा फंसा कि भर्ती की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई। दोस्तों राजस्व मंडल ने तब जिलेवार होने वाली जो भर्ती है उसके लिए जो 2000 पद हैं उनमें से केवल एक पद आरक्षित किया था। उस समय यहाँ पर MBC को सिर्फ 1% आरक्षण दिया जा रहा, और अब उसे बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। तो ये भी एक रीजन है। इस हिसाब से 20 पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन चयन बोर्ड ने मंडल को भर्ती की फाइल लौटाते इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अब MBC कैटेगरी को आरक्षण 5% कर दिया गया, 1% से बढ़ा करके, और 10% जो EWS है उसका भी यहां पर रिजर्वेशन लागू हो गया पूरे देश में। तो ये दो रीजन हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जाटावत ने कहा कि पटवारी भर्ती में आरक्षण परिस्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने राजस्व मंडल को लिखा था, अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रीजन है वो यहाँ पर जो MBC का जो पहले 1% रिजर्वेशन था उसके हिसाब से वहाँ पर उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था, और एक ज़िले में ये जिलेवार वैकेंसी है तो 97 पद जब होते हैं तो एक यहाँ पर MBC को एक पद मिलता था, लेकिन कई ज़िलों में बहुत कम पद थे, 97 से पद कम थे, इस कारण से उनको कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसे वापस लौटा दिया था राजस्व मंडल को, और तब से लेकर ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों जैसा कि अब लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव के बाद ये आपका EWS का रिजर्वेशन 10%, इसके अलावा MBC का 5%, ये आरक्षण का मसला चुनाव बाद सुलझ जाएगा और ये वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने होगी। लेकिन चुनाव के बाद ये वैकेंसी आने वाली है, तब तक के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों 2000 पदों पर तो वित्त विभाग की भी स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है, बहुत सारे पद आ सकते हैं, तकरीबन 3000 से 4000 पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। 2000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी निश्चित तौर पर आएगी, 3000 से 4000 पद किए जा सकते हैं, या जितने वैकेंट पद हैं जो 5000 से ज़्यादा बताए गए हैं उन पर भी ये वैकेंसी रिलीज की जा सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही ये वैकेंसी आप लोगों को मिलने वाली है। इसलिए दो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, और जैसे ही कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है पटवारी भर्ती से रिलेटेड तो दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।